ग्वालियर में बंद पड़ी स्ट्रीट लाइट के कारण छाए अंधेरे के विरोध में कांग्रेस प्रदेश महासचिव सुनील शर्मा के नेतृत्व में आज स्मार्ट सिटी कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान स्मार्ट सीईओ के ज्ञापन लेने नहीं पहुंचने पर कांग्रेस नेता सुनील शर्मा अपने समर्थकों के साथ स्मार्ट सिटी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। उनका आरोप है कि स्मार्ट सिटी की लापरवाही और भ्रष्टाचार के चलते शहर अंधेरे में डूबा हुआ है और दिवाली के इस मौके पर भी लोगों को सड़कों पर लाइट नहीं मिल पा रही। सुनील शर्मा का आरोप है कि स्ट्रीट लाइट बंद होने के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर अंधेरा होने से आए दिन दुर्घटनाओं में लोग घायल हो रहे। स्मार्ट सिटी कार्यालय के बाहर एक घंटे तक चल रहे धरने के बाद स्मार्ट सिटी सीईओ मौके पर पहुंचे और कांग्रेस नेता से ज्ञापन लिया। स्मार्ट सिटी सीईओ नीतू माथुर का कहना है कि शहर में स्ट्रीट लाइट की समस्या को लेकर कांग्रेस नेताओं ने ज्ञापन दिया है। हमारे द्वारा उनको आश्वासन दिया गया कि स्ट्रीट लाइट मेंटेनेंस का काम देख रही कंपनी अगर 15 दिन के अंदर व्यवस्था में सुधार नहीं करती उनका टर्मिनेशन कर दूसरी एजेंसी को इस पूरे कार्य का ठेका दिया जाएगा। देखिए, शहर में स्ट्रीट लाइट की समस्या को देखते हुए ये धरना था और उनके द्वारा अभी अंधकार जो शहर में छाया है और स्ट्रीट लाइट के लिए जो मेंटेनेंस का काम कर रही कंपनी के द्वारा ठीक से काम ना करने की शिकायत की गई है, तो उस संबंध में इनके द्वारा कांग्रेस पार्टी द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है। तो उनको आश्वासन दिया गया है कि 15 दिन में अगर कंपनी सही अपना इम्प्रूवमेंट नहीं करती है तो उसको आगे हम टर्मिनेट करके और दूसरी एजेंसी हायर करेंगे। देखिए, दुर्घटना केवल लाइट की वजह से नहीं है और जिन दुर्घटनाओं का उन्होंने वर्णन किया वहाँ पर कोई पोल लगा ही नहीं था और वहाँ पे कोई स्मार्ट सिटी द्वारा मेंटेनेंस काम भी नहीं किया जा रहा था और दुर्घटना जो होती केवल एक लाइट उसके लिए फैक्टर नहीं होता है, उसके लिए कई फैक्टर होते हैं काम करते हैं। लेकिन हमारी जो जिम्मेदारी है शहर की लाइटों को ठीक करने के लिए, उसके लिए हम लोग कर रहे हैं और निश्चित रूप से कंपनी जैसा काम करना था वो नहीं कर रही है तो हम लोग ने उसको टर्मिनेट भी करने के लिए प्रपोजल भेजा गया है और दिवाली का त्यौहार को देखते हुए अभी 15 दिन का समय उसको जिला प्रशासन में कलेक्टर में। ग्वालियर शहर की जनता अत्यंत कष्ट भुगत रही है। रोज मेरी माता बहनें युवा बच्चे चोटिल हो रहे हैं, फ्रैक्चर तक हो रहे हैं, आपने देखा कि जान भी जा चुकी हैं और ऐसे में पूरा शहर अंधकार में होना बहुत ही अनुचित है, कष्टदायी है। हमारी मांग है कि जल्दी से जल्दी इस शहर की जनता को निजात अंधकार से दिलाई जाए और रोज जो हमारी जनता कष्ट भुगत रही है उस कष्ट को दूर किया जाए। धरने पर इसलिए कोई भी जिम्मेदार अधिकारी यहाँ जब नहीं आया तो हम लोग क्या करें, जनता की परेशानी सुनने का इनके पास समय नहीं है तो हम यहाँ धरने पर बैठे। भाई साहब, कई बार सीओ मैडम को बुलाया गया परिषद में कई बार बुलाया गया, लेकिन ये जनता के प्रति जवाबदेही से भागना है, जनता की समस्या से भागना है, इससे काम नहीं चलेगा। जनता की परेशानी सुननी होगी और जनता को अंधकार से निजात दिलानी होगी।